भाई पहले चेक कर लो खाली तो है ना, मेरे व्लॉग में भी दिखाओ कि खाली है, कभी कोई सोचने लग जाए कि कुछ ये गलत कर रहे हैं। खाली है, खाली है बिल्कुल। ओहो, वेरी गुड। एक लगा बहुत ही हल्की, इससे दो साल के बच्चे भी आराम से चला सकता है। तो यार इसके साथ तो मेरी एक व्लॉग वाली फोटो खींचनी चाहिए। पकड़ी पहले मैं खींचवा, ये पीयूष बना भी लियो। एक मिनट, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। क्या यार, हमारे सोलवर सेवन गले में जो स्वर्गीय जीवन सिंह नेगी जी थे, जो हमारे पड़दादा थे, वो यहाँ के जागीरदार थे। अच्छा। तो अंग्रेज, ब्रिटिश अंग्रेज ने उन्हें एक गिफ्टी दी थी और जागीरदार के रूप में उन्हें रखा था, तो जिससे ये आप एक उंगली में भी इसको उठा सकते हैं, दे सकते हैं। 5 साल 2 साल का बच्चा भी उठा सकता। बहुत ही दो नाल की बंदूक है ये, बहुत बड़े। ब्रिटिश कालीन है, तकरीबन 1.5 साल से ऊपर का ये बंदूक इसकी है। अच्छा यार, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लाइटली है, लाइट है और एक हाथ से भी आदमी उठा सकता है। आप देख सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है किसी भी आज के टाइम की बनी हुई दोनाली को इस तरह से उठा पाना। बहुत बढ़िया ये। थैंक यू भैया और थैंक यू बुआ जी, आप लोगों ने दिखा दी हमें। और कई सारी चीजें छुपी रहनी चाहिए मगर आप लोगों ने दिखाई नहीं। आप भी उठा पा रहे हो? बढ़िया। नेगी जी के लिए भाई तालियां, आपने बहुत बढ़िया सब कुछ दिखा दिया। विमान अच्छा लगा? दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, हाँ, कि इस दोनाली के लिए बंदूक कभी, मतलब गोलियां अभी भी होती होंगी? ताजा ताजा गोबर तेरी, ये डर भी जाती हैं कई बार। इनके ऊपर कपड़ा क्यों डाला हुआ है बताओ बेटा? इसे चोट लग गई होगी, देखो लाल है। और कुछ आपने क्यों कपड़े पहन रखे हैं इस मौसम में? इनके तो बाल है। बाल तो आपके भी हैं, ठंड तो फिर भी लगती होगी, कितना बचा लेती हैं? शीप क्यों नहीं पहनती फिर? ये देखो आउटडोर वॉश बेसिन। कटहल का है ना नेगी भाई? ये कटहल का पेड़ है ना? ये देखो ये वाला कटहल का पेड़ है पूरा। इस पर अभी कटहल नहीं लगे मगर आने वाले टाइम में फिर से कटहल लगेगी। और ये लीची का है ना? ये लीची है, अभी लीची नहीं लगी मगर जून जुलाई में इस मौसम में आ जाती है ना। अलग अलग ये लकड़ियों के कारखाने। अरे ये किसने बनाया इतना अच्छा? बनाया नहीं, मतलब मैंने वो उसमें डाल दिया, वो खुद ही कन्वर्ट कर दिया उसमें। अच्छा, और ये पापा की थी। भाई नेगी भाई ने अभी हमें हाँ रोका है और उसका मेन पर्पस है कि सामने ये मंदिर, इस पूरे जंगल के बीच में ये मंदिर है निराला, और हमने अभी यहाँ पे गाड़ी रोकी है, सारे के सारे हम खड़े हुए हैं और सारे लोग जा रहे हैं। हाय भैया, ढेला गेट आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा हुआ है ढेला गेट, 4 किलोमीटर दूर है अभी यहाँ से। सांप वाप तो नहीं होंगे ना इधर? निकलते हैं भैया। ये पूरी जो बता रहे हैं उधर से इधर तक, ये नीचे नीचे टाइगर वाइगर भी आ जाते हैं। इतने अच्छे कंटेंट के लिए और इतने रिस्क को उठाने के लिए एक लाइक तो बनता है, क्यों विमान? तो हमने वहाँ पे अभी शूज उतारे हैं। अरे वाह वाह वाह, वही आ जाओ। ये वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है बोरी। अक्सर नागराज आते हैं, दूध पीते हैं। अरे ये आप देख रहे होंगे, ये नागराज, नागराज ये नेचुरल निकला हुआ है यार, नेचुरल निकला हुआ है। अरे और ये खाने वाले कल में यहाँ तक पहुँचेंगे पूरे। अच्छा, हमारे नागराज नहीं, अरे हमारे महादेव भी। आप ये देखो बरगद का पेड़ कितना बड़ा नेचुरल है यार, अनगिनत इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये सारी ब्रांचेस देखो उसी की हैं, मोटी मोटी अलग पूरा एक पेड़ बन चुका है ये। मैं सब आप लोगों को बता दूं, नेगी भाई जो हैं भोले जी के भक्त हैं, आप देख सकते हैं इनके माथे पे भी चंदन का टीका। ये हर सुबह हर दिन इनका पूरे स्नान के बाद इस तरह से ही रहता है। अभी ये पूरे 4 धाम जो है उनको देखेंगे और प्लस में अभी केदारनाथ की यात्रा भी करेंगे जो कि 1.5-2 महीने की रहेगी जून में। बेटा आशीर्वाद ले लो, भगवान भोले बाबा है ये। वेरी गुड, ये घंटी बजाओ। वेरी गुड, और शिवलिंग को छुओ, माथे से लगाओ। वेरी गुड। टाइगर भी देख रहा होगा या लेपर्ड भी हमें देख रहे होंगे। अच्छा, लेकिन हम मंदिर में है तो हमारे लिए, हमें लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तो शेरा वाले की सवारी होती है वो। बढ़िया, तो अब कोई खतरे वाली बात नहीं जब तक महादेव यहाँ पे है।
करें। बहुत अच्छा, ये देखो यार बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं कितना पुराना पेड़ है, कितनी इसने मौसम बदलते हुए देखे हैं। वो बिल्कुल देखो, इसे मॉस बोलते हैं ना। जी जी, ये मॉस अपने आप नेचुरल, इतना अच्छा मॉइस्चर और वो है, खुद पहाड़ लग रहा है अपने में। क्या बस यही सबसे मुश्किल काम है, मंदिर में आशीर्वाद चढ़ना सब सही है, जूते पहनना जो है वो सबसे भारी काम हो गया हमारे। बहुत अच्छा, बहुत शांति मिली इस मंदिर में आने के बाद, और डर भी लगा। जब काल आता है ना तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता खा लेता है। ये हमारे गन्ने हैं, इसको हम बाद में खाएंगे। आ जाओ। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अरे वाह वाह, आपके हाथ में ये भी है? अरे ये मेरी चाबी, और मैं जाप भी करता रहता हूँ। तो यार ये ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग लोक में घूम रहे हैं, और नारद मुनि जी हमें पूरा स्वर्ग लोक घुमा रहे हैं बढ़िया तरीके से। जल मुर्गी, जल मुर्गी थी भाई, भाग गई। ये देखो टागर क्षेत्र में हमने ये खड़ा, ये खड़ा पीयूष, थोड़ा 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 सा आगे ले ले, थोड़ा पीछे ले ले, पीछे ले ले, पीछे पीछे पीछे। अरे वाह वाह, बोरा देखो मेल है ये। अच्छा सांभर, क्या बोलते हैं सांभर? ये भी रुक गए हैं हमारे साथ देखने के लिए, पहले हम रुके तो इन्हें लगा कुछ देख रहे हैं लोग, तो ये भी रुक गए। ये सांभर है, और इसके पीछे एक और साथी है जो कि पीछे है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा गाइस, लेकिन हम बता सकते हैं कि वो थोड़ा घोड़ा जैसा सा दिखता है। ये देखो ये नर मादा है, और टाइगर जब रोड में आते हैं तो ये अपनी जान बचाने के लिए जंगल से यहाँ को आते हैं, ताकि इनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन टाइगर भी इनके पीछे सुनते सुनते, इनकी गंध को सुन सुन के यहाँ तक पहुँच जाता है, पहुँच जाता है। मतलब हिरन का ही बड़ा साइज है ना, बड़ा साइज। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 9 लोग मारे गए थे कभी, और उसका रीजन अभी पता करेंगे। मेरे ऐसे आगे रहो, पीछे नहीं, पीछे से शेर वेर आपको ना खींच के खा लेगा। ये है, ये पानी हल्का हल्का चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है। पंजाब की गाड़ी थी। अच्छा, और दो लोग उत्तराखंड की थे जिसमें। जाओ कौन दोस्तों, हाँ, जाओ कौन। यहाँ से गाड़ी नीचे टर्न गिर गई थी। अच्छा, तो पानी इसके ऊपर बह गया था, जिस कारण 9 लोग मरे थे, एक ही उसमें बचा हुआ था। भाई अभी हम आ गए यहाँ पे मैगी पॉइंट, जिसको देखने आए थे वो तो वहाँ से हटा दिया है यहाँ के कॉर्बेट जंगल के ऑफिसर ने। टेस्ट टेस्टी मिलती है मैगी यहाँ। अरे वाह, और हमारे गोपी भाई है उनकी यहाँ पे है। अच्छा, ये देखो सब नेचर में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी इसी आग जलाने लायक ही हो रखा है सब। तो कलिंजा तुमको कैसा लग रहा है यार, एंजॉय कर रहे हो? क्यूब करना अच्छा लग रहा है नेचर में। हाँ। नीचे गर्दन करके घूम रहे हो, तो पेड़ों को नहीं देख रहे, एंजॉय नहीं कर रहे। ऊपर देखो इतने बड़े पेड़ ग्रेटर नोएडा में नहीं दिखाई देते। आप बताओ बेटा, आर यू एंजॉयिंग? मजा आ रहा है? हाँ। क्या क्या देखा अभी तक? बहुत कुछ, वो करी, करी क्या था वो, सांबर, सांबर इडली डोसा सब देखा है। ये आग जल रही है बड़ी प्यारी प्यारी, मजा आ रहा है। अरे गाड़ी भी बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया। ये ना कॉर्बेट बहुत अच्छा है। ये सब आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हो। ये भैया जी हमारे लिए अब मैगी बना रहे हैं। तो जो इधर मोड़ पे था वो भी आपका ही था क्या? अच्छा, वो किसी और का था? हटाना पड़ गया। अच्छा चलो सही है। तो ये आपका पहले से ही था या उसके बाद आपने बनाया? जमीन तो मेरी पहले से थी, मगर मुझे इसे 8-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, मेरी ये रेस्टेड जमीन है। अच्छा, ये पूरी दीवार तक मेरी है। बहुत बढ़िया सर, मेरा लगा है बोर्ड। अच्छा अच्छा, यहाँ पे। अच्छा अच्छा, अरे वो दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर कार्बेट पार्क घूमने के लिए परमिट व जिप्सी हेतु संपर्क करें। ये इनकी ये शॉप है, पूरी आके रिलैक्स हो सकते हैं, पूरी फैमिली आराम से यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकती है। ये बड़ी साफ सुथरी एकदम बहुत ही अच्छी यहाँ पे शॉप है। और ये हमारी मैगी बना रहे हैं, ये चाय बन रही है, ये हमारी चाय बन रही है। चाय का भी ऑर्डर दिया है, नहीं दिया अभी इन्होंने? हाँ। और ये मैगी बन रही है। ये आपके बेटे हैं जी? अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो एक कलिंजा है, अंदर बैठ के सब चीजों में बस अपने क्यूब में लगे हुए हैं। अच्छा आपका है ये भाई साहब? आज की जनरेशन मेरे को लग रहा है कुछ और ही होती जा रही है ये ना, इनको पता नहीं किस चीज से मजा आता है कुछ। मन अच्छा भी लग रहा है वैसे, आप मेरा मन रखने के लिए बोल देते हो कि अच्छा लग रहा है। बैटरी तो ले आया था मगर वायर में भूल गया था,
तो कमल भाई ने मेरे को ये अपनी वायर सी टाइप की प्रोवाइड करी है, जिससे मेरा 39% चार्ज हो गया। ऐसे दिखाऊंगा आज मैं इस वाले ब्लॉग में। अब बोलो देखो भाई साहब कितनी बड़ी बड़ी लकड़ियां ला रहे हैं उठा उठा के। अपने यहाँ के उत्तराखंड के लोगों के लिए यहीं के लैंग्वेज में बताओ आप। सर यहाँ पे जो है हमारी अपना मेहरा मैगी पॉइंट भी है। अच्छा नहीं यहाँ पहाड़ी लैंग्वेज में पहाड़ी लैंग्वेज में बोलो। कमल भाई से पूछते हैं चलो। पहाड़ी बोलो आप, पहाड़ी में बताओ आप। पहाड़ी मेरे को नहीं आती है। नहीं आती है। अच्छा तुम बताओ। मेरा नाम कमल नागी है। अच्छा और मैं समा खबर है नहीं और यहाँ आ गई मैं फ्रेंड से कमल अधिकारी और जन जैक जिप्सी कारोबार से और गोपी भाई से हमार गोपी भाई आप आगे। अच्छा तो ये मैगी बहुत हल बनाने और टेस्टी जो आल एक बार 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 आल। अच्छा वेरी गुड। मेरे को कम से कम 70% समझ आ गई है, मगर कुछ सारे शब्द थे जो समझ नहीं आ रहे। मगर छह छह तो उधर गुजरात गुजरात में करते हैं। कुछ इधर के आ गए मिक्स हो गया। कुत्ता लंगड़ा कर दिया क्या आपने? नहीं नहीं अरे नहीं लंबा कर दिया खींच के। हाँ बेटा बिस्किट खिलाओ यार। फोटो खींची है ये तो कितना अच्छा भालू पोलर बियर टाइप का लग रहा है। वाह कलंजे आप भी खा रहे हो? लाओ दियो मेरे को भी दे दे भाई मेरा मन कर रहा है। वेरी गुड। अब मुंह में तो डालूंगा तो मेरा कोई कहता है डॉगी को मीठी चीनी खिलानी चाहिए इन्हें खुजली हो जाती है। सही बात है। हाँ चलो कोई बात नहीं टेस्ट भी तो होता है। ऐसे तो लोग कहते हैं सिगरेट भी मत पिया करो मगर पीते हैं ना लोग। जल्दी से जीभ निकाल कर करते हैं उनकी जीभ नहीं कटती। वो बेटा प्रैक्टिस हो जाती है ना। मैगी पॉइंट ये शॉप है भाई साहब की गोपी भाई की। आप लोग आए खूब एंजॉय करें यहाँ पे बैठ के। आपको एक जादू दिखाऊं? नहीं दिखाऊं? ओके जादू दिखाओ भाई साहब थोड़ा पीछे क्योंकि फ्रेम इतना ही आ रहा है ना। हाँ ठीक है तू भी देखना। जेब में रखूंगा ऐसे करूंगा एक मिनट पहली बार ठीक है। अरे नहीं हुआ गड़बड़ हो गई। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैजिशियन स्टेज के ऊपर भी गड़बड़ कर सकता है उसको दिल पे ना लें। फिर से करो बेटा वन मोर ट्राई। चलो मैंने यूट्यूब पे सीखा है किंग ऑफ क्यूवर्स। किसी की प्रमोशन नहीं करनी मेरे अलावा। चलें बेटा चलो चलो बेटा बाय। चलें भाई कमल भाई मिलते हैं ठीक है। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा ठीक है। अपना ख्याल रखना। ये डेला गेट आ गया सामने ना।